अगर आप भी मारुति अर्टिगा खरीदना चाहते हैं और आप भी कंफ्यूज है कि भाई कौन सा वेरिएंट मेरे लिए सही रहेगा, सारे फीचर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये वीडियो में मैं सारे फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। हर एक वेरिएंट वाइज हम चलेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड चीज़ें इंजन वगैरह की बात कर लेते हैं कि भाई जो चीज़ें सब में कॉमन रहने वाली है। बेसिकली आपको चार वेरिएंट मिलते हैं इसके, एक होता है LXi, एक होता है VXi, ZXi और ZXi प्लस। VXi, ZXi और ZXi प्लस में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है, जबकि LXi में ऐसा कुछ नहीं है। और VXi और ZXi जो बीच के दो वेरिएंट है, इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो आपके पैसे बचाने के लिए है भैया, कि वहाँ पर आप थोड़े से पैसे खर्च कीजिए इनिशियली और फिर CNG पर आप पैसे बचा सकते हैं, माइलेज अच्छा मिल जाता है। सारी चीज़ें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम इंजन की बात कर लेते हैं। पेट्रोल की अगर बात करेंगे तो एक ही इंजन ऑप्शन यहाँ पर है, K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन, जो कि 103 BHP की पावर बनाएगा 6000 RPM पर और लगभग 136 Nm का टॉर्क आपको देगा, वो भी 4400 RPM पर। टर्बो वगैरह यहाँ पर है नहीं, तो आपको थोड़ा सा RPM बढ़ाने पड़ेंगे टॉर्क के लिए, लेकिन पावर आउटपुट कम नहीं लगने वाला आपको कभी भी। और इस वेरिएंट में आपको मिलेगा आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फंक्शन, जिसकी वजह से गाड़ी का फ्यूल जो है थोड़ा और बढ़ जाता है, रीजन ब्रेकिंग मिल जाती है, स्मार्ट हाइब्रिड है, तो ये दोनों चीज़ें करके क्या है, आपका फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपको लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिल जाता है। वहीं अगर CNG की बात करूंगा, 26 किलोमीटर पर KG वो चल जाती है, वहां पर भी आपको सेम K15C इंजन मिलेगा 1.5 लीटर वाला, जिसका पावर आउटपुट आपको लगभग 85-86 BHP मिलेगा 6000 RPM पर अगर आप CNG पर चल रहे हो, और 121 Nm के लगभग मिलेगा आपको 4400 RPM पर टॉर्क अगर आप CNG पर चल रहे हो। उसको अगर आप पेट्रोल पे स्विच करोगे तो वहां पर आपको लगभग 95-96 BHP पावर और टॉर्क 135-136 के आसपास मिलेगा, मतलब थोड़ा सा पेट्रोल वेरिएंट जो था उसके मुकाबले थोड़ा सा हल्का सा कम टॉर्क और पावर यहाँ पर मिलता है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट की बात करोगे तो आपको वहाँ पर 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, जो कि CNG में भी सेम है, लेकिन अगर ऑटोमेटिक की बात करोगे तो आपको सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही ऑटोमेटिक मिल पाएंगे, जो 6-speed 80 है। बाकी जो व्हील साइज है वो 185/65 R15 का है। बेसिक वेरिएंट में आपको स्टील रिम्स मिलेंगे, जबकि आप टॉप एंड वेरिएंट पे जाएंगे ZXi ZXi Plus पर जाएंगे तो अलॉय व्हील्स वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो भाई आते हैं मुद्दे की बात पर, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। देखिए वैसे तो मैं इंजन वगैरह पर ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह ज़्यादा नहीं भी रहा तो चल जाता है, तो मैं लूँगा बेसिक वेरिएंट अगर तो 10,10,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस पर मैं खरीद सकता। क्या मिलेगा एक्सटीरियर की बात करूँ तो सामने हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, 3D ओरिगामी स्टाइल LED टेल लाइट मिल जाएगा। अगर इंटीरियर की बात करूंगा तो ये जो लाइट होते हैं रीडिंग लैंप्स वो आपको मिल जाएंगे, सामने डैशबोर्ड पर कोई सिस्टम तो है नहीं तो वो ओपन जगह मिल जाएगी आपको। गाड़ी जो है ड्यूअल टोन में इंटीरियर के साथ आती है। मैनुअल AC बिल्कुल दिया गया है, वहाँ पर कोई कटौती नहीं की गई है। गाड़ी की जो रियर सीटें 60-40 में स्प्लिट होती है, जो लास्ट वाली है जो थर्ड रो है उसमें भी आपको 50-50 स्प्लिट देखने मिलेगा, तो बूट स्पेस कभी बढ़ाना हो तो इंक्रीज कर सकते हो उसको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की सीटें गिरा करके। और हाँ, ध्यान रखना जो बेसिक वेरिएंट उसमें सेकंड रो पर यहाँ पर जो AC आता है रूफ माउंटेड वो नहीं आता है, वो आपको VXi वेरिएंट से मिलेगा। तो जो लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी गाड़ी होगी, नहीं होने वाली है, बेसिक वेरिएंट एटलीस्ट नहीं होने वाला है, आपको कम से कम VXi लेना चाहिए वहाँ पर, तो थोड़ा हवा का जो है आवाजाही बनी रहेगी। बॉटल होल्डर कॉइन होल्डर आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं, रियर AC वेंट्स तो बेसिक वेरिएंट में नहीं है, लेकिन पावर सॉकेट मिलता है वो भी सिर्फ सामने की तरफ 12 वोल्ट का, पीछे की तरफ कोई पावर सॉकेट भी नहीं है, तो बेसिक वेरिएंट कह सकते हो बहुत ज्यादा बेसिक है। चलो सेफ्टी की तरफ चलते हैं। बेसिक वेरिएंट से ही गाड़ी में दो एयरबैग मिल जाते हैं, ABS EBD का सपोर्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी गाड़ी में दिया गया है और हिल होल्ड कंट्रोल भी बेसिक वेरिएंट से दिया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही साथ ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज पॉइंट्स भी आपको सेकंड रो पे दिए जाते हैं, तो घर में बच्चे वगैरह हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, रियर पार्किंग सेंसर भी आपको बेसिक वेरिएंट में मिल जाएंगे, स्पीड सेंसिटिव डोर लॉक भी मिल जाता है और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम भी मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक वेरिएंट में स्टैंडर्ड दी गई हैं। तो ये बेसिक वेरिएंट जो कि लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ी चीज़ें मुझे कमजोर लगती हैं, जैसे कि रियर AC वेंट दे देना था, क्योंकि लास्ट रो में तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम खतरनाक वाली गर्मी हो जाएगी। इसके अलावा पीछे चार्जिंग सॉकेट आप दे सकते थे। तो चलो VXi की तरफ चलते हैं, वहां पर क्या क्या चीजें कवर हो रही है, उसका प्राइस कितना है वो देख लेते हैं। तो भाई VXi में लगभग 1.5 लाख रुपए ज्यादा देने, 11,50,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस पर आप इसे ले सकते हो। अब 1.5 लाख रुपए में एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है मैं बताता हूँ आपको। तो भाई एक्सटीरियर की बात करें तो ORVM के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, तो एक सेफ्टी के लिए भी काफी अच्छी चीजें हो जाती है, दूर से विजिबिलिटी बढ़ जाती है लोगों की, भाई कोई टर्न ले रहा है यहाँ पर। डोर हैंडल्स बॉडी कलर के मिलते हैं, तो आपकी गाड़ी एकदम बेसिक लेवल की वो दिख के नहीं आती है, बाकी बेसिक वेरिएंट आपको पता है काले डोर हैंडल्स रहेंगे तो वो दिखते हैं अलग ही। वहीं अगर बात करें इंटीरियर में तो ज्यादा कुछ चेंज वहां पर भी नहीं है, क्रोम फिनिश दे दी भाई एक दो जगह पर, जैसे कि पार्किंग ब्रेक के ऊपर थोड़ा सा क्रोम लगा दिया, गियर शिफ्ट नॉब के ऊपर थोड़ा सा लगा दिया, तो ये कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं। पर कंफर्ट में थोड़े ज्यादा चेंजेस है, जैसे कि सेकंड रो में AC मिल जाता है 1.5 लाख रुपए में, पहली चीज जो मुझे सही लग रही है, जिसके लिए मैं 1.5 लाख तो नहीं बट थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देना चाहूंगा, वो है सेकंड रो का AC। पीछे की तरफ चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, ऑटोमेटिकली विंडोज अप होने वाला ऑप्शन मिल जाता है ड्राइवर साइड विंडो के लिए, काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। ARVM जो है आपका वो डे एंड नाइट में एडजस्ट हो सकता है, ये भी एक बढ़िया कमाल का फीचर आपको दे दिया गया है।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM आपको मिल जाते हैं, तो आपको बार बार खिड़की खोलकर हाथ बाहर निकालने की जरूरत नहीं ORVM सेट करने के लिए। साथ ही साथ भाई थोड़ा म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम में क्या चीजें मिल रही तो देख लो, इलेक्ट्रोस्टेटिक टच बटन्स के साथ म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, टच स्क्रीन सिस्टम यहाँ पर नहीं है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलेगी, 4 स्पीकर दिए जा रहे हैं डिसेंट क्वालिटी के साथ, बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं है, USB और AUX की कनेक्टिविटी मिल जाती है, स्टीयरिंग पे माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी चीज है, और स्टीयरिंग माउंटेड कॉलिंग कंट्रोल भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो सारी बेसिक नीड्स है ना वो कंप्लीट हो जाती है कि भाई इतनी चीजें हैं मैं गाड़ी ले सकता हूँ। अब वो बात आती है कि भाई मुझे फीचर चाहिए और ज्यादा, तो वहां पर हम आगे बढ़ेंगे जो कि ZXi में है। फिलहाल अगर मैं ले रहा होता तो मुझे VXi काफी ज्यादा हद तक अच्छी रहती, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, बट VXi और ZXi का डिफरेंस काफी कम है, उसके बाद ZXi काफी ज्यादा चीजें ऑफर कर रही है, तो वो हमें देखना जरूरी है। बट सेफ्टी के लिहाज से देखें तो LXi और VXi में ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, सारी चीजें लगभग सिमिलर है, तो ये अच्छा है कि बेसिक वेरिएंट से ही उन्होंने सारे फीचर्स देना शुरू कर दिया सेफ्टी के लिए एटलीस्ट। अब हम चलते हैं ZXi के ऊपर, तो ZXi पे कितने रुपए खर्च करने वो बता दूं, तो ZXi पर आप खर्च करते हैं 12,88,000 रुपए, मतलब कि यहाँ पर भी लगभग 1.5 लाख रुपए आपको खर्च करने हैं। बट क्या ये 1.5 लाख रुपए वापस वर्थ है, चलिए देखते हैं। तो भाई पहली बात तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है मशीन कट अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील अगर आप आफ्टर मार्केट डलाने जाते हैं आपको पता है बहुत ज्यादा खर्चा आता है, आपके स्टील रिम चले जाते हैं और उसके बाद आपको बहुत बड़ा पैसा देना पड़ता है, तब जाके अलॉय व्हील आते हैं। रियर वाइपर एंड वॉशर मिल जाता है दोस्तों, ये भी चीज एक है जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए हर एक प्रकार के हैचबैक इस तरह की गाड़ी में जिसमें पीछे धूल बैठने का खतरा है, वॉशर वाइपर रहना जरूरी है। इस गाड़ी में आपको ZXi वेरिएंट में मिलता है, जो कि एक अच्छा मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी पैसे लगने चाहिए थे, जो VXi में नहीं दिया ठीक है, लेकिन ZXi के लिए अगर मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं तो मैं जस्टिफाइड समझता हूँ। इंटीरियर में आएंगे तो डैशबोर्ड पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, अब यहाँ पर वुडन फिनिश वाला डैशबोर्ड आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, गाड़ी को एक अलग ही लुक देता है। दरवाजों के ऊपर भी आपको मेटालिक टीक वुडन फिनिश मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लगेगा, तो आपने जो पैसे खर्च करें आपको लगेगा कि भाई हाँ थोड़ी सी गाड़ी अच्छी भी दिख रही है, थोड़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही है। इसमें आपको इंजन के स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए बटन मिल जाती है, स्मार्ट की का सपोर्ट मिलता है, तो आपको गाड़ी अनलॉक करने के लिए बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है और ना ही गाड़ी के अंदर आने के बाद गाड़ी में चाबी लगाने की जरूरत है, बटन मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पर भी मैं थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूँ। फिर आती है बात ऑटोमेटिक एसी की, जो कि अभी तक मैं मिस कर रहा था, ऑटोमेटिक एसी मुझे मिल जाता है, काफी ज्यादा कमाल का फीचर। आप सभी को पता है कि बार बार जो है मुझे बटन नहीं दबानी पड़ेगी, बार बार मुझे टेम्परेचर सेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक एसी काफी अच्छे से काम कर लेता है। रियर डिफॉगर मिल जाता है, ये भी एक फीचर स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि बारिशों के समय में बहुत प्रॉब्लम होती है और ये सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा बेकार चीज बन जाएगी अगर डिफॉगर नहीं है तो ये गाड़ी, तो इस चीज पर भी मैं पैसे देना जो जरूरी समझता हूँ। तो कंफर्ट के लिहाज से ये वाला वेरिएंट जो है मुझे बेटर लगा बाकी तीनों, अभी जितने भी बाकी दोनों वेरिएंट हमने देखे उसके मुकाबले। अगर मैं आता हूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम पर, तो यहाँ पर भी आपको एक टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है जो कि 17.78 सेंटीमीटर का है। ऑब्वियसली ZXi प्लस में प्रो सेगमेंट मिलता है, इसमें स्टूडियो वाला मिलता है, लेकिन काफी अच्छा सा सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाता है। स्पीकर 4 स्पीकर मिल जाएंगे, 2 ट्विटर्स आपको दिए जाते हैं यहाँ पर, USB कनेक्टिविटी मिल जाती है, AUX नहीं कर पाओगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाएगा और कॉलिंग कंट्रोल भी यहाँ पर मिल जाते हैं और ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर लोगे, तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो ZXi वेरिएंट मुझे अभी तक का सबसे ज्यादा पसंद आने वाला लग रहा है, जिसके लिए मैं जस्टिफाइड समझता हूँ इसका जो प्राइस है। पर VXi अगर मैं ले रहा हूँ मुझे पैसे बचाने हैं तो मैं VXi की तरफ ज्यादा झुक जाऊंगा, वहां पर थोड़े पैसे ज्यादा डाल के मैं CNG की तरफ जा सकता हूँ अगर मुझे पैसे बचाने ही है आगे चल के, तो फीचर वाइज लगभग सिमिलर चीजें रहेगी। अब बात करें अगर हम ZXi प्लस की क्या चीजें वहां पर मिल रही हैं, वहां पर अब ऐसी चीजें मिलेंगी जो ना भी रहे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को काफी अच्छे से रखने वाले हैं, काफी ज्यादा चीजें देख रहे हैं, तो वो आप जरूर चूज कर सकते हैं। एक्सटीरियर में ऐसा कुछ नया चीज मिलने नहीं वाला है। इंटीरियर में मिलेगा लेदर रैपिंग मिलेगी आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और बाकी सब चीजें लगभग सिमिलर से रहेगी। कंफर्ट में आपको वही स्मार्ट की मिलने वाली है, पुश बटन मिलने वाला है, ऑटोमेटिक एसी मिलने वाला है, की ऑपरेटेड रिट्रेक्टेबल ORVM आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाते हैं कंफर्ट के लिए, और मिल जाता है क्रूज कंट्रोल का फीचर, पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, और ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं फॉलो मी होम हेडलैम्प्स के साथ, मतलब आपकी गाड़ी बंद होने के बाद भी थोड़ी देर तक लाइट चालू रहेंगे। वहीं अगर इंफोटेनमेंट की बात करेंगे तो 17.78 सेंटीमीटर का स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें आर्कमिस का सराउंड साउंड लगा हुआ है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलती है, ZXi में भी मिल रही थी, यहाँ पर आपको वायरलेस मिल जाती है, वहाँ पर वायर्ड मिल रही थी। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर मिल जाते हैं, USB की कनेक्टिविटी मिल जाती है और मिल जाता है स्टीयरिंग माउंटेड सारे कंट्रोल्स कॉल के हो या फिर म्यूजिक सिस्टम के, और सेफ्टी में 2 एयरबैग बढ़ जाते हैं, सीट वाले एयरबैग जो है वो सामने वाली सीटों के लिए आपके खुल जाते हैं। साथ ही साथ ZXi और ZXi प्लस में एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है, वो है सुजुकी कनेक्ट, यानी कि एप्लीकेशन से गाड़ी के बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कि 2-way अलर्ट कर सकते हैं, जियो फेंस कर सकते हैं, टाइम फेंस कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, वैलेप अलर्ट मिल जाता है आपको, इमरजेंसी अलर्ट, ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन मिल जाती है, अगर आप डोर लॉक और कैंसिल लॉक कर सकते हैं अपनी गाड़ी का अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन चला रहे हैं तो, साथ में ओवर स्पीड का मिल जाएगा, सीट बेल्ट अलर्ट मिल जाएगा, एसी को आइडल कर सकते हैं अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन चला रहे हैं और ये फीचर आपके पास है सुजुकी कनेक्ट का, तो ये ZXi और ZXi प्लस में मिलेगा आपको। साथ ही साथ
स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी मिल जाएगी, बैटरी हेल्थ मिल जाएगी, अलार्म मिल जाएगा, इमोनाइजर रिक्वेस्ट मिल जाएगी, सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा में मिल जाते हैं ZXi और ZXi प्लस में। तो अगर मैं ZXi प्लस की बात करूं 13.69 लाख रुपीज में आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। तो ये कुछ चीजें दोस्तों वेरियंट वाइज जो अलग अलग है। अगर मेरा फेवरेट इन चारों में से चुनोगे तो मैं VXi लेना पसंद करूंगा, मुझे टच स्क्रीन से उतना मतलब नहीं, गाड़ी भी मिल रही है और जितने नेसेसरी फीचर्स हैं वो सारे के सारे मुझे मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जाऊँ कि मेरी गाड़ी थोड़ी पर्सनल है तो मैं ज़्यादा अच्छे से रखना चाहूँगा तो मैं ZXi चूज़ करूँगा। ZXi प्लस की तरफ फिलहाल नहीं जाऊँगा, ZXi चूज़ करूँगा और सारे के सारे जो मुझे जो लुक है वो अच्छा हो जाता है, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, सारे नेसेसरी फीचर्स भी मिल जाते हैं, प्लस थोड़े बहुत प्लस फीचर मिल जाते हैं जैसे कि टच स्क्रीन सिस्टम वगैरह वगैरह। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा वेरियंट आपको लग रहा है। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।